विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल हर क्षण देश के लिए है। 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047 ये हम सबका संकल्प है। 10 बछोर जाहोलो ओटा शुदो ट्रेलर छिलो। साथियों, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल हर क्षण देश के लिए है और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047 ये हम सबका संकल्प है और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। साथियों, एनडीए सरकार के 10 वर्ष गरीब एसटी परिवार माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के रहे हैं। आप याद कीजिए, जिन करोड़ों गरीबों के पास बिजली पानी गैस कनेक्शन नहीं था, उसमें बड़ी संख्या में हमारे एससी एसटी परिवार थे। शौचालय ना होने से हमारे एससी एसटी समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान एससी एसटी परिवारों को उठाना पड़ता था। साथियों, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने हालात बदलने का संकल्प लिया। हमने वंचितों को वरीयता दी। 2014 में बीजेपी सरकार बनी तो हमने एक दलित राष्ट्रपति देश को दिए। 2019 में बीजेपी सरकार बनी तो देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की योजना के अधिकांश लाभार्थी एससी एसटी वर्ग के ही परिवार है। अधिकांश एससी एसटी परिवारों को पहली बार पक्के घर मिले, पहली बार टॉयलेट बिजली पानी और गैस का कनेक्शन मिले। बीजेपी ने आदिवासी मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाया। हमने आदिवासी परिवारों को 23 लाख से अधिक पट्टे दिए। हमने 400 से अधिक नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। साथियों, 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारी सरकार की योजनाओं ने गरीब के जीवन को आसान बनाया है। हमने गरीब का स्वाभिमान लौटाया है, उसका गौरव बढ़ाया है और मोदी ने 10 साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। दो
दस बछोर जा होलो ओटा शुदू ट्रेलर छिलो।